हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय स्वामीनारायण। योगी रिदम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही लाजवाब सब्जी की रेसिपी। वो है पनीर की सब्जी। बट ट्विस्ट ये है कि ये व्रत और उपवास में खाई जाने वाली पनीर की सब्जी है। एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आप आई एम श्योर दूसरी सब्जियां व्रत में जो दूसरी सब्जी खाते हैं ना, वो सारी सब्जियां खाना भूल जाएंगे और हमेशा यही सब्जी बनवा कर खाएंगे। और 10 मिनट में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये सब्जी बन जाती है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, यानी कि 150 ग्राम पनीर। इनको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में इस पीस को कट कर लूंगी। तो देखिए, मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये मैंने साइज रखा है क्यूब्स का। और एकदम फ्रेश पनीर लेना है, उसका फ्लेवर अलग ही आता है। और देखिए, चूंकि व्रत की सब्जियां घी में बनाई जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच घी। उसे मैं अच्छी तरह से एक पैन में फैला लूंगी और घी गर्म होने पर पनीर के जो सारे क्यूब्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर एक एक करके लगा दूंगी पैन में सिकने के लिए। और इन्हें हमें जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक सेकना है। तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है, कितनी अच्छी तरीके से ये सिक गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं। इसी तरह से इन्हें पलट पलट कर चारों तरफ से हमें सेक लेना है। सेक कर जब हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके या सेक के बनाते हैं ना, सब्जी में डालते हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत अलग आता है और च्यूई नहीं लगता है एकदम से। पनीर बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो देखिए, इसी तरह से इन्हें पलट पलट कर हम चारों तरफ से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे क्यूब्स को पलट लिया है और अच्छी तरह से क्यूब्स सिक रहे हैं। तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और एक सूखी लाल मिर्च ली है। साथ ही में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मलाई, जो फ्रेश मलाई होती है ना दूध की, वो मैंने ली है। और 10 से 12 काजू लिए हैं। इन्हें मैंने पानी में सोक कर लिया है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में मैंने इन्हें रख दिया है। अब हम इनका एक पेस्ट बनाएंगे। तो काजू और मलाई को मैंने एक जार में डाल लिया है और मिक्सर में इन्हें पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इसका पेस्ट बनाया है बट ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। तो 1 टीस्पून जितना दूध हम इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद एक बार फिर से इसे चलाएंगे। तो बहुत अच्छा सा पेस्ट देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको थोड़ा भी ये गाढ़ा लगे या ऐसा लगे कि दानेदार है, पेस्ट नहीं बना है, तो उसमें बहुत हल्का सा 1 या 2 टीस्पून दूध मिलाएं और फिर से फेंट लें। तो चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सेम पैन में जो बचा हुआ घी था उसी में मैंने आधी चम्मच यहाँ पर जीरा डाला है और जीरा को मैं अच्छी तरह से यहाँ पर सेक लूंगी। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें जो हरी मिर्च, अदरक और सूखी लाल मिर्च मैंने काट कर रखी थी, उन सबको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। और इन्हें भी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें कच्चापन ना रहे और इनका अच्छा सा फ्लेवर जो हमारी सब्जी बना रहे हैं उसमें ऐड हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिर्ची को भी यहाँ पर फ्राई कर लिया है अच्छे से। और गैस का फ्लेम अब बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर अब सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 काली मिर्च और 2 लौंग ऐड किए हैं। चूंकि व्रत की सब्जी है, इसमें और कोई हम गरम मसाला इस तरह का बाद में नहीं डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये चीज डाली है। और अब मैंने यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर सेंधा नमक डाला है। अगर आप लाल मिर्ची का पाउडर नहीं खाते हैं, लाल मिर्च, तो आप यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी डाल दूंगी ताकि मिर्ची जो है हमारी, लाल मिर्ची का जो पाउडर है, वो जले ना। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने ग्रेवी बना के रेडी की थी, मतलब जो हमने पेस्ट बनाया था काजू और मलाई का, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब देखिए, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छी हमारी क्रीमी सी ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी। और व्रत वाली सब्जी इस तरह से आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, अच्छी तरह से जब तक ये ग्रेवी पूरी पक नहीं जाए तब तक हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। और देखिए,
पकने का साइन ये होता है कि ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट होने लगता है, मतलब ग्रेवी तेल छोड़ने लगती है। इसका मतलब ग्रेवी बन गई है, पक के तैयार हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला है और एक बार फिर से मैं सारी ग्रेवी को मिक्स कर दूंगी उस पानी के साथ, और अच्छे से एक बॉइल आ जाए तब तक हमें इसे इसी तरह से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं बॉइल आ गया है ग्रेवी में, और अच्छी तरह से इसमें जो लम्स थे वो लम्स खत्म हो जाए उस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें जो हमने फ्राइड पनीर रखा था रोस्टेड, उस पनीर को यहाँ पर डाल देंगे, और इस तरह से मिक्स करना है कि जो सारा ग्रेवी है वो इन पनीर पे कोट हो जाए अच्छे से। तो देखिए सारे पनीर अच्छे से कोट हो गए हैं ग्रेवी में, और हमारी लाजवाब सी पनीर की सब्जी व्रत वाली बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप गार्निश करिए थोड़े से कच्चे पनीर के साथ, बहुत ही यमी लगती है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, और आप देख ही रहे हैं कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।